बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा संसद में राहुल गांधी के लिए अमरदत्तीय भाषा में की गई टिप्पणी से कांग्रेसियों में रोष का माहौल बना हुआ है। शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजामंडी चौराहे पर बीजेपी सांसद के पुतले के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित सिंह ने विरोध जुलूस निकाला। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा संसद में राहुल गांधी के लिए अमरादित्य भाषा में की गई टिप्पणी से कांग्रेसियों में रोष का माहौल बना हुआ है। शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजा मंडी चौराहा पर बीजेपी सांसद के पुतले के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित सिंह ने विरोध जुलूस निकाला। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के पुतला दहन की सूचना पाकर थाना हरिपर्वत पुलिस ने कांग्रेस के विरोध जुलूस को पुतले के साई मंदिर के पास वापस शहर कांग्रेस कार्यालय भेज दिया। इस दौरान अमित सिंह की थाना पुलिस कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक हुई। शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रेस मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए अमित सिंह ने कहा कि पुलिस सरकार के इशारे पर कांग्रेस के प्रदर्शन को विफल करना चाह रही है, पर कांग्रेसी किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उनके नेता राहुल गांधी संसद में हमेशा आम लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। इस दौरान उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अनुराग ठाकुर की लोकसभा सांसद के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। अनुराग ठाकुर, जिसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नकार चुकी है, जिसे इस तीसरे जो तीसरा कार्यकाल है इसमें कहीं पूछा नहीं जा रहा है, ऐसा सांसद वो आज हमारे जननायक विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी पे अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है, उन पे तरह उल्टे सीधे सवाल जवाब कर रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और आज कांग्रेस पार्टी इसका पुतला जला के इसका जुलूस निकाल कर पूरी तरीके से हम विरोध करते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाह रहा हूँ, आपको जनता ने नकार दिया है, आप बहुमत में नहीं है, आप हारे हुए हैं। आप विपक्ष के नेता का सम्मान करना सीखिए, गांधीवादी नेता का सम्मान करना सीखिए। आप अगर सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति इससे और ज़्यादा खराब होती जाएगी। राजामंडी चौराहा पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कमेटी यूथ के जिला अध्यक्ष ताहिर हुसैन ने कहा कि वह राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र भाषा नहीं सुन सकते। केंद्र सरकार कान खोलकर सुन ले कि उनके सांसदों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। देश में जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी का एक बयान सामने आया, एक घोर निंदनीय, इसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि संसद एक देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है और उस संसद में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, मगर हमारे नेता ने कल कह दिया है कि मैं अर्जुन की तरह उस आँख को देखता रहूँगा और मेरा तीर वही रहेगा। जाति जनगणना इस देश के लिए गरीब मजदूर असहाय लोगों के लिए राहुल गांधी जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस प्रशासन इससे ज़्यादा भी इकट्ठा हो जाएगा तो हम इस पुतले के जला के रहेंगे। हमने जलाने का पूरा प्रयास किया, प्रशासन ने जिस तरीके से एक इशारे पे काम किया, इसके लिए भी हम घोर निंदा करते हैं। भारी बारिश के बीच शहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शहर भर से कांग्रेसी जन मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।